बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, इस वक्त मैं डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी के साथ हूं और आज हम एक थोड़े से मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द फेसबुक लाइव। डॉक्टर साहब, थिंग्स आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन दीज डेज। कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो पूरे दुनिया पे हावी होता जा रहा है। वो ना सिर्फ लोगों की सेहत पे हावी हो रहा है, वो लोगों की नफ्सियात पे हावी हो रहा है और लोगों की सोच पे हावी हो रहा है। मुल्कों की जो मौशी सिचुएशन है, इकोनॉमीज हैं, उस पे हावी हो रहा है। और मैं आज सुबह ही देख रहा था, सिंध में हमारे यहाँ नारा लग रहा है, रोटी दो या मार दो। सो सिचुएशंस जो है वो काफी ज्यादा गलत जा रही है हमारे हमारी हमारे मुल्क में, बाकी ममालिक में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, अस्पताल भरते जा रहे हैं। और अंदेशा ये है कि अस्पतालों में अल्लाह ना करे मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी, और अल्लाह ना करे अगर इसी तरह का लॉकडाउन रहा जहाँ पे लूज लोग बाहर आते जाते हैं, तो सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक हो सकती है हम जैसे ममालिक में, तरक्की पजीर ममालिक में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसके तनाजर में आपकी क्या पोजीशन है? एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल मुझे अपने इस फेसबुक लाइव स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए, और व्यूअर्स लिसनर्स का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आपने डेफिनेटली एक बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही नाजुक और बहुत ही इस वक्त जरूरी टॉपिक को यहाँ पे छेड़ा है और डिस्कस करने के लिए मुझे बुलाया है। देखें, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि इस टाइम पे ये जो कोरोना का जो क्राइसिस है, इसमें हर मुल्क मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल फ्रंट। तो एक तरफ जैसा आपने कहा इकोनॉमी है, दूसरी तरफ जो है बेरोजगारी, उसके नतीजे में आने वाली बेरोजगारी है, इसी तरीके से सप्लाई चेन्स को मेंटेन करना, फिर इसी तरीके से मल्टीपल और इश्यूज जो निकलते हैं जब आप लॉकडाउन करते हैं और इकोनॉमी का पहिया जाम होता है, तो थिंग्स डू नॉट रिमेन द सेम। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करना, जाहिर है एक प्रोग्राम की बात नहीं है, मैं ये चाहूंगा कि हम एक ऐसी चीज डिस्कस करें जो कि इन सब चीजों को, जो सब मसाइल हैं, इनको एम्पलीफाई कर रही है और कर सकती है और गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। जी, और गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। एग्जैक्टली, वो इसको जब एम्पलीफाई करेगी तो जाहिर है कि वो उसको उस डायरेक्शन में लेके जाएगी जहां पे हम नहीं ले जाना चाहते। और वो चीज मैं समझता हूं कि अगर आप नोट करें तो वो इस वक्त जो वबा की स्पीड है, जिस स्पीड पे, जिस तेजी से ये वबा फैल रही है, वो इस वबा की इससे भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। और वो चीज मैं समझता हूं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये जो साजिशी नजरिए जो है, जो फेक न्यूज है, जो क्वैक्स हैं, जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, हर कोने कुदरे से लोग निकल के सामने आ रहे हैं। कोई क्लेम कर रहा है कि उसके पास कोई ऐसा तावीज गुंडा है जिसमें इसका इलाज है, कोई कह रहा है कि नहीं जो है इसका किसी पानी में इलाज है, कोई कह रहा है कोई और लिक्विड है जो कि उसने बनाया है उसके अंदर इसका इलाज है। फिर साथ में लोग हमें ये बता रहे हैं कि जी ये चीज जो है ये फलानी जगह पे तैयार हुई थी, इसके खिलाफ जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म की साजिशी सोचें सामने आ रही है। और इसके इन सोचों के अंदर या इस क्वैक्स के अंदर हमें समझना ये पड़ेगा कि अगर हमारे लोग इन चीजों के ऊपर कान धरने लगे और अगर हमारे लोग इसको सीरियस लेने लगे, तो होगा क्या कि जो काम असल में करने वाले हैं, जो चीजें हमें असल में इस वबा से बचाने वाली हैं, हम शायद उनको छोड़ देंगे, हम उनको पसे पुश डाल देंगे और हम इन चीजों के पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे। और एक बड़ी ही अजीब किस्म की एक जो मामला है वबा को कंट्रोल करने में, उस पर काबू पाने में, वो ज्यादा खराब हो जाएगा। वो ज्यादा हमारे जैसे ममालिक जहाँ पे वसाइल की बड़ी शॉर्टेज है, कमी है, गवर्नमेंट तकरीबन समझे कि शायद मकरूज और हो जाए, इसके पास ऑप्शंस ना रहे, आईएमएफ के पास जाना पड़े, उस सिचुएशन में हमें हमारे मुल्क के पास ऑप्शंस महदूद से महदूद होते जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हमें सोचना ये कि हमने इसको तीन बड़े फ्रंट्स पे लड़ना है। एक तो हमने इसको सेहत के फ्रंट पे लड़ना है क्योंकि कोई ना कोई इलाज निकलना है इसका, और उस जो विंडो है इलाज ना होने की और इलाज आने की, उसके बीच जो आपने जिक्र बड़ा सही किया, क्वैक्स आएंगे, उसके बीच बाजी होगी, उसके बीच में हर हर वो बंदा आएगा जो कहीं ना कहीं कैश कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी को।
پھر دوسرا فرنٹ ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے وہ معاشی فرنٹ ہے اکنامک فرنٹ ہے جو ان امپلائمنٹ بڑھے گی اور جو مائکرو لیول میکرو اینڈ مائکرو دونوں اور پھر تیسرا فرنٹ ہے میرے خیال ہے حکومت کا لیول حکومت کے لیول پہ جو پریشانی ہیں حکومتوں کی نہ صرف ہماری پاکستانی حکومت لیکن جو باقی حکومتیں ہیں دنیا کی سب سے طاقتور حکومت بھی دنیا کی سب سے امیر حکومت بھی دونوں حکومتیں بھی پریشان ہیں وہاں پہ اس پورے کانٹیکسٹ میں واٹ ڈو یو تھنک پاکستان سوسائٹل لیول پہلے تو آئے نا سوسائٹل لیول پہ کیا اقدامات لینے چاہیے پاکستان کو سو دیٹ وی شوڈ بی ناٹ پروپوگیٹنگ دی سچویشن ورسننگ دی سچویشن بٹ کنٹرولنگ اینڈ کوپنگ ود دی سچویشن بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں اب کلیکٹیولی ایک چیز کو بہت ہی ایک چیز کے دامن کو بڑے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ ہمیں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایز اے قوم ریشنلی سوچیں ریشنلی سوچنے سے یہ مراد ہے اگین سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ بھئی یہ وبا جو ہے اٹس ریالٹی یہ چیز پھیل چکی ہے اس چیز سے ممالک کو نقصان ہو رہا ہے جیسا آپ نے درست فرمایا کہ وہ ممالک جو کہ سپر پاورز ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں وہ ممالک آپس میں اس وقت کوپریٹ کرنے پر مجبور نظر آ رہے ہیں وہ ممالک ایک دوسرے سے سپورٹ طلب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ اٹس ریالٹی اس وقت لاشیں گر رہی ہیں اس وقت اموات واقعہ ہو رہی ہیں کاؤنٹ جو ہے وہ ٹیلی تقریباً 38,000 پہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی زندگیوں میں ابھی تک بہت سی وبائیں دیکھی چھوٹی بڑی لیکن ہم نے ایسی وبا نہیں دیکھی جو کہ اتنی پینڈیمک ہو جس کے خلاف جس کے لیے کسی کوئی ویکسین بھی نہ ہو جس کا کوئی علاج بھی نہ ہو جو کہ ایک نئی چیز ہو ٹھیک ہے کورونا جو ہے ایک پرانا وائرس ہے 1960 سے دریافت ہوا لیکن اس دفعہ اس کو نوول کرونا اسی لیے کہا گیا کہ یہ اس کی ایک نئی شکل ہے اور جو پرانے حربے جو پرانے ہمارے پاس ویکسینز تھے وہ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے تو اس لیے اٹس اے نیو تھنگ اٹس اے سچویشن تو پہلی چیز ریشنلی ہمیں یہ ماننا ہے کہ یس دیئر از اے پرابلم اور ہمارا دیکھیں عقیدہ بھی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہمارے اوپر امتحان تو آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی تنگ دستی کے ذریعے کبھی فراوانی کے ذریعے کبھی موت سے کبھی کوئی آزمائش ہمیں آزماتا ہے تو اب جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ پہلے ہم ڈینائل میں نہ جائیں دوسرا ہم شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں کس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی گرم پانی پی لے اور اس کا اس سے علاج ہو جائے سب کی یہ خواہش ہے لیکن یہ بات جو ہے یہ سائنس سے اس سے ثابت نہیں ہے اور ہمارے لیے اگین ایز مسلمز بڑا ضروری ہے کہ ہم ریشنالٹی کا دامن نہ چھوڑیں ہم جو ہے نہ اپنا مذاق اڑوائیں اور نہ ہم اپنے آپ کو بیوقوف خود سے بنائیں یہ سوچ کے کہ یہ چیز جو ہے کسی جادو ٹونے سے چلی جائے گی جی ڈاکٹر صاحب ایک جو کیا لیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس فرنٹ پہ میڈیکل فرنٹ پہ وہ یہ ہوئی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے ہیں انہوں نے موبائل پہ ویڈیو بنائی ہے وہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو اس میں وہ کلیم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور جو کلورو کوئین جو کنین کی گولی ہے اس سے علاج اس کا ہو سکتا ہے ملیریا کی جو دوائی ہے اس سے علاج ہو سکتا ہے اینڈ آر منسٹری واز ایکچولی ناٹ گیونگ دیئر آفیشیل ورژن ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اس کو اپنی پریس کانفرنس میں ذکر کیا لیکن اس پہ کوئی زیادہ ڈائریکشن نہیں دی سوسائٹی کو میڈیا کو ہاسپٹلس کو کہ یہ دوائی آپ استعمال کرنے کا جی ہم سوچ رہے ہیں آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایف ڈی اے فیڈرل ڈرگ جو ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے امریکہ کی دنیا کی سب سے بڑی پاورفل باڈی ہے اس نے اپروول دے دی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ڈرگ مفید ہے اس کو کنٹرول کرنے میں سو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ واز سم تھنگ ویری انیوژل ٹو ایکسپیکٹ اور یہ جو اپروول دیا ہے یہ بھی بڑا چیلنج کوئک دیا ہے بڑا ہیسٹی دیا ہے آئی نو دے مسٹ ہیو فالوڈ دیئر انٹائر پروسیجرز وہ پروسیجرز تو فالو کریں گے لیکن دیٹ واز این انیوژل کائنڈ آف تھنگ کمنگ فرام ایف ڈی اے جو سالہ سال لیتی ہے کسی بھی ڈرگ اپروول کو واٹ ڈو یو تھنک سو ایک جو کانسپائریسی تھیری میں سمجھتا ہوں وہ کانسپائریسی تھی نا یار اس نے بھی اپنی دکان چمکانے کا ہم نے یہی سوچا کہ دکان چمکانا چاہے گی انہوں نے کہا جی کنین کی دوائی کھائیں اور وہ بلکہ شارٹ ہو گئی فارماسیوٹیکل کمپنی یہاں پہ فارمیسیز پہ نہیں مل رہی تھی شارٹ ہو گئی لیکن ایف ڈی اے نے اس کا اپروول دے دیا سو ایٹ ٹائمز کانسپائریسیز ٹھیک بھی ثابت ہوئی تھی آئی تھنک یو مینشن دیٹ ان یور یوٹیوب ویڈیو ایز ویل ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا کیا اس کو ریز کر دیا میں کچھ چیزیں یہاں پہ کلیئر کروں دیکھیں یہ جو کلوروکوئن ہائیڈروکلوروکوئن والی جو ساری اسٹوری ہے اس میں یہ دس از ناٹ اے کوئک
दिस वॉज नेवर अ क्वैक एक्चुअली. और मैं यही बताना चाहता हूं अपने नाजरीन को कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज जो है उसकी बेसिस साइंस है. He was a doctor. Sorry to interrupt you. He was a doctor claiming कि इसका इलाज है, ये जो कोरोना वायरस है ये इसका इलाज है. क्लोरोक्विन आप दो गोलियां भी खाएं, आठ घंटे बाद दो गोलियां खाएं, फिर आठ घंटे बाद दो गोलियां खाएं, छह घंटे के छह दवाइयों गोलियों को कोर्स पूरा करें, फिर आपने अगले आठ आठ घंटों में एक एक गोली खानी है, आपने 24 गोलियों का कोर्स पूरा करना है. सो दैट वॉज समथिंग. मैं आपको बताता हूं. मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज है, मुझे उन सांप का नहीं पता, मैंने ये वीडियो नहीं देखी, लेकिन ये जो चीज है तकरीबन 10 दिन से ये डेटा, ये पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं और मैंने खुद देखे हैं, खुद बड़े डिटेल में पढ़े हैं. इस ये ऐसा है कि देखें, चाइना के अंदर ये 80,000 लोग इससे इन्फेक्ट हुए. जब ये प्रोसेस सारा हो रहा था, दे वर ट्राइंग वेरियस थिंग्स, वो बहुत सी चीजें काफी, तो एक रिजीम जो उन्होंने ट्राई किया अपने पेशेंट्स के ऊपर वो इसका क्लोरोक्विन का था, ये जो एंटी मलेरिया ड्रग है. एंड दैट सीम्स टू वर्क प्रॉमिसिंग. लेकिन अभी भी जो WHO की भी एक रिपोर्ट थी उसके अंदर भी उन्होंने ये मेंशन किया है कि जितने टेस्ट हमने किए हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के बराबर के नहीं है, यानी एक ड्रग को पास करने के लिए. तो आपने बिल्कुल सही बताया, FDA ने इन हालात में अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिलैक्स किए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कम टाइम के अंदर ये पास कर सकते हैं. तो उन्होंने जो वैक्सीन पास करने का जो प्रोसेस है वो भी ज्यादा टाइम लेता है, उसको भी शॉर्टन किया. उन्होंने ये जो टेस्ट अभी बनाया जो कि 30 मिनट 40 मिनट में रिजल्ट देता है, उसका भी साल का प्रोसेस होता है, उसको भी शॉर्टन किया. तो ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे उन्होंने भी यही किया कि एक ड्रग थी जिसके ऊपर कुछ इलाज हुआ था, कुछ नंबर्स आ चुके थे और वो पॉजिटिव. अब मैं यहाँ पे दो बातें कहना चाहूंगा. पहली बात कि जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली मेंशन है कि दिस इज ए नॉट फॉर एवरीवन, तो हर एक को ये नहीं लेनी. खास तौर पे देखें इस बीमारी में तकरीबन 80% लोग जो हैं वो बगैर सिम्टम के, एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के जरिए वो खुद से ठीक हो जाएंगे. अब अगर उन्होंने भी, सबसे पहले तो अगर जैसा आपने कहा हम सब ने घरों में खरीद के 3-3 डब्बे रख लिए तो ये दवा शॉर्ट हो जाएगी और वही हुआ. फिर अगर हमने रख ली और हर मरीज को जिसको जरा सा जुकाम के सिम्टम आने लगे उसको हमने देना शुरू कर दिया तो हम शायद इस ड्रग के खिलाफ भी हम इम्यूनिटी हमारी डिवेलप हो जाएगी, फिर ये ड्रग भी काम नहीं करेगी. तो इस किस्म की बेवकूफाना चीजें हमने नहीं करनी, बल्कि ड्रग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे और डॉक्टर्स को पता है हमारे अस्पतालों में जो मेडिकल डॉक्टर्स काम कर रहे हैं माशाल्लाह वेल ट्रेन्ड है, बहुत सारे तो बाहर से ट्रेन्ड है, बहुत सारे तो खुद रिसर्च में इन्वॉल्व है, दे आर मतलब वो दे आर अब्रेस्ट विद ऑल दीज डेवलपमेंट्स. तो हमने ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करी थी, एक. अब दूसरी चीज ये हो गई कि देखें यही तरीका है समझने का और पहचानने का गलत को सही से. आप देखें बहुत से लोग इस वक्त इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, बहुत सी टॉक्स लोगों की मिलेंगी जो कि मुख्तलिफ किस्म की चीजों से इलाज कर रहे हैं. सो वन थिंग आपके लिए जो लिटमस टेस्ट है आप ये कि आप देखें क्या उसने क्लिनिकल ट्रायल्स किए. भाई अगर नहीं किए तो आप उसका गिनी पिग बनना चाहते हैं. इसी तरीके से क्या उसने इसका पेटेंट जो है वो रजिस्टर किया है. अगर पेटेंट रजिस्टर्ड है तो वो आपको बताए कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि जब पेटेंट आप जानते हैं, आप खुद पेटेंट के स्कॉलर रहे, आपने इसके ऊपर पेपर्स लिखे हैं. जब पेटेंट रजिस्टर्ड होता है उसकी खूबसूरती ये होती है कि पूरा का पूरा नॉलेज डिस्क्लोज किया जाता है कम्युनिटी की बेहतरी के लिए ताकि उसको बिल्ड कर सके. बिल्कुल एग्जैक्टली. तीसरी चीज क्या उसने जो मेडिसिन वो क्लेम कर रहा है कि इलाज करती है क्या उसको रजिस्टर करवाया है. जैसा आपने कहा कि कोई अप्रूवल लेके दवाई आती है, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने घर में कोई महलूल बना लूं और उसको मैं जो है ना महंगा करके इस सिचुएशन से फायदा उठाते हुए बेचने लग जाऊं. तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी कि अगर ऐसे लोग सामने आने लगे और गलत क्लेम्स करने लगे तो ये लोगों की जानों पर खेलने वाली बात होगी और हमें एज अ कॉम इन चीजों पर कान नहीं धरना है. हमने अपनी रैशनैलिटी, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए ये इंश्योर करना है कि क्या जो चीज हमें बताई जा रही है वो वाकई सही है. और एक और आखिरी बात, whenever someone starts talking about a wonder drug, तो उस वक्त हमारे कान खड़े हो जाते हैं. अलावा इसके कि किसी चीज का जिक्र कुरान और हदीस में आया हो, मैं आपको ये कहूंगा अगर कोई चीज कुरान और हदीस में किसी चीज का जिक्र आया तो अदर देन दैट देर वुड बी नो वंडर ड्रग. तो कोई कहता है कि मेरे पास कोई महलूल है और इससे जो है ना तमाम बीमारियां चली जाती हैं, ठीक है, और साथ में फिर उसकी कोई एविडेंस भी नहीं है, कोई क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं है, कोई एनिमल ट्रायल्स भी नहीं है, तो हमें फिर बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है. चल रहा हूं मैं ये एक और बात अपने नाजरीन से कह दूं कि देखें हम लोग शख्सी जो है ना लीडरशिप का शिकार है, पर्सनैलिटी लीडरशिप, हमें ये शख्सियात बहुत इंप्रेस करती है. हमारी हिस्ट्री रही है लोगों के पीछे जाने की, ब्लाइंडली फॉलो करने की,
हमें इससे निकलना होगा. सो डू नॉट लुक एट द पर्सन हु इज टॉकिंग. आप ये ना देखें उसके पास क्या डिग्री है, वो किस मुल्क से आया है, वो कहाँ बैठा है. आप ये देखिए वो जो कह रहा है, डज दैट मेक सेंस और नॉट. अगर वो कह रहा है, क्लेम्स कर रहा है, टॉल क्लेम्स है उसके, और उसकी बातें जो है वो सेंस नहीं बना रही, वो रैशनैलिटी की जो कसौटी है उस पर पूरा नहीं उतर रही, वी हैव टू क्वेश्चन, वी हैव टू बी कॉशन. डॉक्टर साहब, मैं दो तीन जो रिसेंट अभी हुए इंसिडेंट्स उनका भी जिक्र करना चाहूंगा. एक साहब आए हैं मॉस्को से, एंड ही क्लेम्स टू हैव अ पीएचडी, एंड ही सेइंग कि उसने कुछ स्प्रे इजाद किया. वो स्प्रे आप नाक पे मारे, चेहरे पे मारे, कपड़ों पे मारे, कोरोना वायरस कहेगा कि अल्लाह वो ऊपर करके वो कलमा पड़ेगा और खत्म, शहीद हो जाएगा. दूसरा एक साहब आए हैं कि जनाब उन्होंने एक मशीन बनाई है जो स्टीम देती है. वो कहते हैं वो स्टीम खास स्टीम है, वो स्टीम नॉर्मल स्टीम नहीं है, पता नहीं उन्होंने क्या जादू उस पर फूका है. वो स्टीम आप लें तो कोरोना वायरस जो आपके नाक में है, साइनसिस में है, आपके लंग्स में है, ब्रोंकाइटिस में, इट विल जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट स्टीम. अच्छा, तीसरा साहब जो आए हैं वो थोड़े से नॉन साइंटिफिक हैं. वो हैं अब्दुल्ला हारून साहब, यूनाइटेड नेशंस में बड़ी अहम पोस्ट पे रहे हैं कुछ अर्सा, और वो ये कह रहे हैं कि दिस इज कम्प्लीट बुलशिट गोइंग ऑन अक्रॉस द ग्लोब. ये पागल हैं सारे, चाइना भी पागल है, अमरीका भी पागल है. चाइना में हजारों नहीं लाखों लोग इफेक्ट हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं. जो जो बात हुई उसको छोड़ें, जो इफेक्ट हुए अनएम्प्लॉयड हुए हैं वो अलग है. बिलियंस ऑफ डॉलर जो नुकसान हुए हैं, बेल आउट पैकेज अमरीका $2 खरब का दे रहा है. That is $2,000 billion. It's not nonsense. Huh? It's मतलब वो पता नहीं कितने ममालिक का GDP से ज्यादा का वो है bail out package सिर्फ. Do you think this makes sense from a person who has been holding such an important position? इतनी important position के पास New York में थी. I think he was sitting in New York for a very long time. जी देखें, मैं बल्कि इसमें ऐड करना चाहूंगा पहले तो, और मैं आपको दो बातें करना चाहूंगा. एक और डॉक्टर हैं जो कि क्लेम करते हैं ही इज अ डॉक्टर, और वो इंडियन चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं, और वो आयुर्वेदिक को प्रैक्टिस करते हैं, और वो कह रहे हैं कि जी इसके इलाज की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और इसका इलाज जो बुखार होगा आपको, उस बुखार का आपने इलाज नहीं करना, और उसके लिए आपने कोई दवाई नहीं खानी, और आपको आपका बुखार ठीक कर देगा. तो देखें, और एक और बात जो मैं आपको याद कराना चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो कि आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में देयर वाज अ ह्यूज मीडिया सेंसेशन. एक साहब थे, उनका नाम इंजीनियर आगा वकार बताया जाता था, हालांकि बाद में पता चला कि वो इंजीनियर नहीं थे. तो वो साहब जो है वो क्लेम कर रहे थे कि पानी से गाड़ी चल सकती है. तो मैंने उस वक्त द न्यूज अखबार में एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था बड़ी डिटेल में, जिसमें कि जो इसके बिहाइंड थर्मोडायनेमिक्स है और जो इश्यूज है वो उसके अंदर रखे थे. तो जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ऐसे टॉल क्लेम्स करेंगे, लेकिन आप याद रखें दीज विल बी मोस्टली अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स. ठीक है, और उनके पास अपने क्लेम्स को बैकअप करने के लिए कोई साइंसी सबूत नहीं होंगे. और इसीलिए देखें, एक और बात है जो समझना जरूरी है कि नो डाउट देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन. देयर विल बी कंट्रीज हु विल ट्राई टू अंडरमाइन अदर कंट्रीज. ये सब कुछ होगा. ऐसा भी होगा आगे चल के शायद कि जो कोई बना लेगा वैक्सीन, वो दूसरे मुल्क को वो वैक्सीन ना दे या महंगी दे. देखें, हमारा ये जो एक सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, कैपिटलिज्म, इसमें अनफॉर्चुनेटली कैपिटल जो है दैट इज एवरीथिंग. तो इससे रिलेटेड चीजें होंगी और हम ये समझते हैं. और ये भी मैं कभी भी इसको खारिज अज इम्कान नहीं कहूंगा कि ये लैब में बनाया गया हो या इसको कोई मुल्क इस्तेमाल कर रहा हो. लेकिन जब हम एविडेंस देखते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक YouTube अपने चैनल पे माइंड सीव्स मेरा चैनल है, उसके ऊपर इसी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड एक वीडियो रिकॉर्ड की, और उसमें ये इस किस्म की मुख्तलिफ चीजें एक्सप्लेन की, और मैंने बताया कि हम ये नहीं कह सकते कभी भी विद सर्टेनिटी कि एक चीज गलत है, हमें कहने की जरूरत भी नहीं है. लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो क्लेम है ये रैशनल नहीं लग रहा जब तक एविडेंस नहीं दे दी जाती. तो सिर्फ कुछ चीजों का आपस में कोरिलेट कर जाना, इस किसी चीज से किसी को फायदा हो जाना, टेम्पोरली हम ये लगना, दिस इज नॉट इनफ. और मसला क्या है इस वक्त, अगर हम ऐसा करने या ऐसा कहने की वजह से जिन चीजों पे हमें फोकस करने की जरूरत है, और इस वक्त मैंने एक और अपनी वीडियो में बड़ा क्लियर बताया कि हमें
दो चीजों पे फोकस करने की जरूरत है. एक, हमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी है सो दैट वी कैन नो कि एक बंदा जो कि पॉजिटिव आ चुका है उसने ये बीमारी, उससे ये बीमारी कितने और लोगों को लगी है, ठीक है, फैली है, लोगों का पता चल सके. और दूसरा कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग. फिर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के भी दो तरीके हैं, हमें दोनों इस्तेमाल करने चाहिए. एक मैनुअल है by making teams, by sending out people, जो के जाके उन लोगों से जो पॉजिटिव आए उनसे मिलें, उनको इंटरव्यू करें बड़े डिटेल में और फाइंड आउट करें कि पिछले 14 दिन जो इंक्यूबेशन पीरियड है उस बीमारी का सिम्टम्स आने से पहले अप टू 14 डेज के वो कहाँ था और किन लोगों से मिला. और इसी को फिर टेक्नोलॉजी के जरिए भी किया जा सकता है, उस पर भी काफी बातचीत हो रही है. और दूसरी चीज जो करने की जरूरत है वो है टेस्टिंग. कहीं पे मास टेस्टिंग की बात हो रही है, कहीं पे ब्लैंकेट टेस्टिंग की बात हो रही है, लेकिन एक बात क्लियर है, द नंबर ऑफ टेस्ट्स व्हिच वी आर परफॉर्मिंग आर वे बिलो व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो हमें अपने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हमें ज्यादा पता चल सके कि ये चीज जो है अल्लाह ना करे किस किस में फैली हुई है, ताकि उन लोगों को क्वारंटाइन सेल्फ आइसोलेशन में ले जाया जा सके. मेरा उसमें ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली एंटीसिपेटिंग द राइज ऑफ नंबर्स, केसेस का राइज होगा. इसीलिए आज की खबर ये है कि हमारा रेलवे जो है बोगियां हैं उनको भी वो क्वारंटाइन जो स्पेसेस है डिक्लेयर कर दी है, और वहां पे उसको मतलब आप इमेजिन करें कि गवर्नमेंट इज मेकिंग दीज ऑल प्रिकॉशनरी प्रोएक्टिवली इसको देख रही है कि अल्लाह ना करे जो रेलवे बोगियां हैं उसको भी इस्तेमाल करेंगे. सो दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग जो कि हम शायद I don't know, हम उसके लिए इकोनॉमिकली सोशली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है. The damage, if this happens, the damage would be unprecedented ever in the history of any country. मतलब पूरी ग्लोबल लेवल की मैं बात करूँ, किसी भी मुल्क में इतना डैमेज नहीं, किसी भी खत्ते में इतना डैमेज नहीं हुआ होगा जितना डैमेज अब इस वक्त होगा. उसकी एक और वजह ये भी है कि देखिए पिछले अदवार में जो पेंडेमिक्स आए जैसे स्पेनिश फ्लू का अक्सर जिक्र करते हैं, 5 मिलियन हम बात हुई है उसमें, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उस वक्त बायोटेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी. अब तो टेक्नोलॉजी के होते हुए, बायोटेक्नोलॉजी के होते हुए, रिसोर्सेज के होते हुए, नॉलेज के होते हुए एंड ऑल दो मनी अराउंड, उसके बावजूद अगर ये पेंडेमिक जो है सपोर्ट करता है, फैलता है, तो दी रिपरकशंस, दी आउटकम वुड बी डिजास्ट्रस. सो मेरा ख्याल है उस पर शायद पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है, पाकिस्तानी हुकूमत है और अवाम तो बिल्कुल भी नहीं है, तैयार ही नहीं है. सो मैं आपसे बस क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा. इफ यू सम इट अप, द पेंडेमिक व्हिच इज लार्जर इज हीडिंग टू द र्यूमर्स, हीडिंग टू द कॉन्स्पायरेसी थियरीज, लिसनिंग टू दोज क्वैक्स, listening to those callow opportunists जो आ रहे हैं सामने, ठीक है, इस opportunity का जो फायदा उठाना चाहते हैं. अच्छा ये मुझे कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है या कोलीग, यार ये opportunists तो entrepreneurs भी है ना, लेकिन अब वो एक मशीन ले आया है जर्मनी से, वो कह रहा है ऐसा स्टीम है जो ऐसी स्टीम मार दी जो कि कोरोना वायरस को तबाह कर देगी, खत्म कर देगी आपके नाक के अंदर. तो probably in someone's dictionary he is an entrepreneur. वही आने लगी यहाँ पे. तो आई टोटली एग्री, ये कोई एंटरप्रेन्योरशिप की अच्छी मिसाल नहीं होगी, और अल्लाह करे कि हम और हमारे लोग इससे दूरी रहे. मैं सम अप करने के लिए आपसे चंद बातें कहना चाहूंगा और अपने नाजरीन से भी, कि देखें पहली बात यह है कि व्हाट वी नो, तो ये चीज जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई. अब मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा कि ये क्यों हुआ, हम थोड़ा सा इस पर गौर भी करें. ये इसलिए हुआ कि हमें तो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हिदायत मिली हुई है और हमें पता है कि हमने क्या चीज कौन सा जानवर खाना है और कौन सा जानवर नहीं खाना. लेकिन जब लोग सब जानवर, गलीज जानवर, पाकी नापाकी किसी चीज का ख्याल नहीं रखते, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने है कि वो खुद कह रहे हैं कि जी ये उन जानवरों के खाने से हमें हुआ है, तो फिर ये चीज होती है. तो भाई मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली चीज, देयर इज अ कोड ऑफ लाइफ.
ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوڈ آف لائف دیا ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور بالکل بیسک لیول پہ اس کوڈ کو جب انسانوں نے وائلیٹ کیا, اور جب جب انسانوں نے وائلیٹ کیا تو مختلف قسم کی بیماریاں پھیلی ہیں. ایڈز اس کی ایک ایگزامپل ہے, اور یہاں پہ دوسری ایگزامپل سامنے آ گئی. تو ہمیں ایک چیز, جی بتائیے جی ڈاکٹر, پلیز کنٹینیو کریں. ایبولا از آلسو ون آف دا ایگزامپلز. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک تو یہ چیز ہو گئی, تو اب ہمیں جو اس سے پتہ ہے, دوسری چیز یہ کہ اس سے دنیا بھر میں مسئلہ آ رہا ہے. لیکن دیکھیں, ہم نے پینک نہیں کرنا. ہم نے پینک نہیں کرنا سے کیا مراد ہے؟ ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ بہرحال فار اس, چاہے یہ انسان نے بنائی, چاہے یہ حیوان سے پھیلی, چاہے کسی نے جان بوجھ کے پھیلائی, ہمارے لیے اٹ از اے ٹیسٹ فرام اللہ. ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ہر ایسی سچویشن ایک ٹیسٹ ہوتی ہے. اور ہم اس کو اپنے لیے ٹیسٹ ہی رہنے دیں, ہم اس کو اپنے لیے اللہ کا عذاب نہ بنائیں, ہم اس کو آزمائش رہنے دیں. ہمیں اللہ کرے یہ ہمیں اللہ کے اور قریب کر دے. اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اس ٹائم پہ سب کام کرنے کے ساتھ, اپنے ہاتھ بار بار دھونے کے ساتھ, سیلف آئسولیشن میں جانے کے ساتھ, سب کچھ کرنے کے ساتھ ہم اللہ سے بھی رجوع کریں, ہم اللہ سے بھی کنیکٹ کریں. اور ہم اس کی جو طاقت کا ایک مظہر ہم نے چند دنوں میں دیکھا ہے, اس کو بھی سمجھیں. دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ انسانوں نے, پوری انسانیت نے, پوری دنیا نے اس چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے چند ڈاکٹروں کے کہنے پر, چند حفاظتی تدابیر کو اپنانے کی خاطر اپنا پورا طرز زندگی, اپنا پورا لائف سٹائل چینج کر دیا. انہوں نے اپنے منہ کو چھپانا شروع کر دیا, انہوں نے اپنے سر ڈھانپنے شروع کر دیے, انہوں نے جو ہے دن میں 5 سے بھی زیادہ دفعہ اپنے آپ کو دھونا شروع کر دیا, ایوری تھنگ. اور انفارچونیٹلی جب یہی ڈیمانڈ کسی ڈاکٹر سے نہیں بلکہ اس خالے کے کائنات سے آتی ہے, اسی طرح کی ڈیمانڈز آتی ہیں, تو اس وقت ہم 100 قسم کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, ہم پیچھے ہوتے ہیں, ہم کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں. اور تو یہ بڑا ایک ایک ایک, ایک اور پرسپیکٹو ہے جس کو ڈالنا ہے. تو اس یہ ڈالنا کیوں ضروری ہے کہ جب ہم یہ نہیں کریں گے, جب ہم ایسا نہیں سوچیں گے, تو ہمارے ساتھ بھی وہ جرمن منسٹر جس نے کہ ابھی حال ہی میں فائنانس منسٹر جرمنی میں خودکشی کی, ہمارے اوپر بھی اسی قسم کے سٹریسز آئیں گے اور ہم بھی جو ہے نا اسی طریقے سے اس سے بے قابو ہوتے جائیں گے. تو یس, ہمیں اٹ از اے ٹیسٹ, دیز آر ٹیسٹنگ ٹائمز. اور ہمیں جو ہے نا, ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ مسلمان کو اگر کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے اصل میں سیل لگی ہوئی ہے, دس از اے ڈسکاؤنٹ سیزن. تو اس ٹائم پہ آپ اچھے کام کریں اور آپ کو اس کا ڈبل ٹرپل ریوارڈ ملے گا. دس از دا ٹائم ٹو لک آفٹر پیپل, دس از دا ٹائم ٹو کنیکٹ ود اللہ, دس از دا ٹائم ٹو کنیکٹ ود یور سیلف, ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی میں وہ ساری حفاظتی تدابیر, اور ساتھ ہی میں اس سے ریلیٹڈ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں, اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں لوگوں کی اس تکلیف کو کم کرنے میں, تو ہمیں کرنا چاہیے, چاہے وہ ویڈیوز بنانے کے ذریعے ہو, چاہے وہ موٹیویٹ کر ریسرچ کرنے کے ذریعے ہو. الحمدللہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس وقت وینٹیلیٹرز بنانے میں بھی لگے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹرز ٹھیک کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں, بہت سارے جو ہیں وہ ٹیسٹ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از آل گڈ. اور بہت سارے فرنٹ لائن کے اوپر جا کر بڑے کم پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی موجودگی میں, وہ بڑے سکینڈ سی سپلائیز میں وہ جا کر مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اس طریقے سے اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں. بالکل. Thank you so much, Dr. Baseer. Wonderful note to end. Or once again, I thank everybody جو ہمیں سن رہے ہیں. بعد میں بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہوں, پلیز ان کو مینشن یہاں کیجیے گا, ول ٹرائی ٹو ریسپونڈ. ڈاکٹر بصیر, تھینک یو سو مچ ونس اگین. پلیز جو سننے والے ہیں, ناظرین ہیں, پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, کمنٹس دیجیے گا, تاکہ ہم اس پہ آپ کو جواب دے سکیں. ونس اگین, اللہ حافظ. السلام علیکم جی, بہت بہت شکریہ.